अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी अगली वीडियो के साथ मैं मंसूरी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि आपने जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है पाकिस्तान से, उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए और किस तरह आपने बनाना है, और उसमें कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर है जो आपने करनी है, और जिससे आपको आगे चल के फ़ायदा होगा। जब वो इंक्वायरी करने वाला बंदा आएगा तो वो आपके मेडिकल सर्टिफिकेट को किस तरह चेक करेगा, किस तरह देखेगा, ये मैं एक आज आपको थोड़ी सी इसके बारे में मालूम दूंगा। क्योंकि कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके, टेलीफोन करके उसने मुझसे पूछा कि इसके बारे में बताएं, क्योंकि जो मेरी पुरानी वीडियोज़ थी मेरे ख्याल उसमें मैंने किसी जगह पे अपना टेलीफोन नंबर किसी को शेयर किया, तो जिस वजह से मैं उनको मिला और उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो वो यही पूछ रहे थे। तो मैंने उनसे वादा किया कि मैं आपको एक कम्प्लीट वीडियो बना के अपलोड करूँगा, आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा दोस्तों, जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, जिस तरह पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जिस तरह हमारा निकाह नामा है और जिस तरह दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसी तरह मेडिकल सर्टिफिकेट भी बहुत ही ज़रूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों कहते हैं ये कि बनवाया जाए, क्योंकि दोस्तों कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि अशूत होती हैं, यानी कि एक एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती हैं। वो खुदा न खासा बीमारियों को चेक करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो चेक, वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप ये टेस्ट करवा के हमें रिपोर्ट जमा करवाएं कि आपको वो बीमारी तो नहीं है, तो इस वजह से वो हमें वो मेडिकल रिकॉर्ड बनवाना पड़ता है। तो क्या करना है दोस्तों, आपने अपने शहर के किसी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पे जाके आपने उनको बताना है कि मैंने किस मुल्क के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। ये आपने लाजिम बताना है किस मुल्क के लिए, क्योंकि हर मुल्क का अलहदा अलहदा होता है। तो आपने सबसे पहले उनको ये कहना है कि हमने स्पेन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना देंगे। लेकिन उससे पहले वो आपको बताएंगे कि आपने कब आना है और आपके टेस्ट होंगे। टेस्ट आपने लाजमी करवाना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि पैसे दिए कि या सिफारिश पे आपने जेली सर्टिफिकेट बनवाना है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट की रिपोर्ट जब इंक्वायरी वाला आएगा वो आपको बताए बगैर सबसे पहले आप उस हॉस्पिटल में जाएगा जिसकी आपने रिपोर्ट शो करवाई होगी एम्बेसी को, उस हॉस्पिटल में जाकर वो आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उनकी तस्वीरें खींचेगा एम्बेसी को भेजने के लिए। इस वजह से ये आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी कि सिफारिश या पैसा चला के आपने फेक डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं बनाना। उसके बाद वो दोस्तों जो है वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है इस तरह से आप 100% श्योर हो जाएगी आपकी कि आपका मेडिकल 100% ठीक है। दोस्तों, ये शॉर्ट सी वीडियो थी जो मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। अगर मजीद इस पर आपको क्वेश्चन है कि इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स दे सकते हैं, मैं उस पर आपको आप अपना आंसर देने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों।